वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो आज हम बम्बू स्टिक बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो बम्बू स्टिक है तकरीबन 3.5 तवे की वो काट रखी है। तो आज हम लोग बम्बू स्टिक आपको बनाना सिखाएंगे। मैं आपके सामने काट नहीं सका वो बांध से, लेकिन फिर भी आप इतना तो आपको मालूम होगा कि आप कैसे काट लिए आपने वो काट लें, ठीक है। तो 3.5 तवे की जो बम्बू स्टिक है वो आपके सामने है, देखें ये गोलाई में है, ठीक है। लंबाई में तो आप खुद ही लगा सकते हैं जितनी लगानी हो। तो आज हम गोलाई को सही करने जा रहे हैं। तो ये तकरीबन 96 इंच की होती है गोल। तो 96 की जो होती है तो फिर अब हमने करना कुछ इस तरह से है कि आप देखें, ये मैंने एक निशान लगाया है, ठीक है। ये देखें, माजरत, ये देखें पहला मैंने ये निशान लगाया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फोकस हो चुका है। तो ये पहला मैंने ये निशान लगाया, ठीक है। ये देखें आप, ये निशान लगाया, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जो निशान लगाया दूसरा वो ये है, तकरीबन ये भी जो है वो 96 का थर्ड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट थोड़ी। तो ये देख सकते हैं आप। तो आज हमने करना जिस तरह है बम्बू स्टिक बनाने का तरीका जो है, आपने मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 पार्ट ले लें इसके स्टिक के, ठीक है। तो स्टिक के 3 पार्ट लेने के बाद आपने कुछ इस तरह स्टिक को आप लोगों ने इस तरह कटर ले लेना है, ठीक है। आप इतना सा इसे खोल लें और उसके बाद आप स्टिक को इस कटर की मदद से जो आपने निशान लगाया उस हिसाब से करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने एक और मैं आपको इस दौरान बात बताता जाऊं कि आपने जो करना है, आपने दरमियान वाला तिनका जो है दरमियान से जहां से बम्बू स्टिक है आपने वहां से नहीं इतना काटना, यानी कि उधर से मोटा रखना है, उसकी मोटाई को ज़्यादा करना है। और जो एंड से है वो आपको पता है कि आपने उन्हें काट के पतला कर देना है, यानी कि आपने जब 3 हिस्से कर लिए जो दरमियान वाला हिस्सा है उसे काटना नहीं है इतना, उसे मोटा रखना है। तो चलें आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो बम्बू स्टिक है वो तैयार है। बनाने की सूरत में लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब।